शेयर बाजार में लिस्टेड शेयरों पर इस बार सरकार को LTCG से ज्यादा कमाई की उम्मीद नहीं है। इक्विटी मार्केट में छोटे और मझौले शेयरों में गिरावट की वजह से 80% शेयरों पर कैपिटल गेन नहीं हुआ। 31 जनवरी 2018 से BSE के सभी इंडेक्स के 1058 में से 862 शेयरों में गिरावट देखी गई है। जिन निवेशकों ने 862 शेयर इस बार बेचे होंगे उन्हें LTCG टैक्स नहीं देना होगा। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 31 जनवरी 2018 को ही कैपिटल कैलकुलेशन के लिए बेंचमार्क बनाया था। हालांकि वी मार्ट, नेस्ले, बाटा, एक्सेल इंडस्ट्रीज जैसे करीब 100 शेयरों को बेचने पर LTCG के चलते निवेशकों का मुनाफा कम हो जाएगा। LTCG को वित्त वर्ष 2019 के बजट में लगाया गया था। इसका मकसद टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना था। निवेशक एक साल के बाद शेयर बेचने पर होने वाले मुनाफे पर LTCG लगाता है। इस पर 10% का टैक्स लगाया गया है। दूसरी तरफ अगर निवेशक साल भर के अंदर शेयर बेचता है तो उसे मुनाफे पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। किन शेयरों पर देना होगा LTCG टैक्स? BSE ऑल कैप इंडेक्स में शामिल 24 शेयरों के दाम में 31 जनवरी 2018 के बाद 50% से ज्यादा तेजी आई है। अगर किसी निवेशक ने एक साल के बाद बाटा के 1000 शेयर बेचे हैं तो उसे 42,000 रुपए का LTCG टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह बजाज फाइनेंस के 1000 शेयर अभी बेचने पर 95,300 रुपए का टैक्स लगेगा। जिन लोगों ने 2018 में IPO में निवेश किया था उनके लिए LTCG टैक्स बड़ा फैक्टर होगा। दरअसल उन्हें 31 जनवरी 2018 के ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का फायदा नहीं मिलेगा। वजह यह है कि 31 जनवरी को वो शेयर लिस्टेड नहीं थे। जिन कंपनियों की लिस्टिंग 31 जनवरी के बाद IPO रूट से हुई है उनके लिए ओरिजिनल कॉस्ट एक एक्विजिशन प्राइस माना जाएगा। ये मार्केट प्राइस से काफी कम हो सकती है। इस कारण से इसमें LTCG टैक्स काफी ज्यादा रह सकता है।